तो भाई जिस चीज का काफी लोग इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, यानी मारुति ने अपनी फ्रॉन्क्स को सीएनजी में भी लॉन्च कर दिया है। मैं नहीं मानता। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में जानेंगे कि कितना प्राइस हमको ज्यादा देना पड़ेगा इसको पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले, कितना ये गाड़ी माइलेज देगी और क्या आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं। चलो। तो मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स के दो वेरिएंट्स में सीएनजी का ऑप्शन दिया है, सिग्मा और डेल्टा। इसके सिग्मा वेरिएंट का प्राइस है नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ 7.47 लाख रुपीज एक्स शोरूम, और अगर इसमें सीएनजी का ऑप्शन लेते हो तो उसका प्राइस है 8.42 लाख। वहीं इसके डेल्टा वेरिएंट का प्राइस है नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ 8.37 लाख, और उसमें सीएनजी ऐड करने के बाद 9.28 लाख रुपीज एक्स शोरूम। तो इन दोनों वेरिएंट्स में अगर आप सीएनजी का ऑप्शन लेते हो तो उसमें आपको 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसके पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले, यानी अप्रोक्स 1 लाख रुपए, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है। 60 या 70,000 रुपीज होता तो थोड़ा सही प्राइस रहता, 95,000 रुपीज कुछ ज्यादा लग रहा है भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। बात करें इनके इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस के बारे में, तो इन दोनों ही वेरिएंट्स में हमको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, लेकिन उसमें पावर कम हो गई है। मींस नॉर्मल वेरिएंट के साथ ये इंजन 90 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, वहीं सीएनजी लगने के बाद ये गिरकर 77 हॉर्स पावर हो गई है। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। यानी लॉन्ग रन पर या फिर हाईवे पर आपको ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन हाँ इंस्टेंट पिकअप और एक्सेलरेशन में थोड़ी कम पावर फील होगी, जो कि वैलिड भी है, सभी सीएनजी कार्स में ये फील होता है। बात तो सही है। अब बात करते हैं काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के माइलेज की, जिसके लिए काफी लोग सीएनजी कार्स लेते हैं। तो फ्रॉन्क्स सीएनजी सरप्राइजिंगली सेगमेंट में सबसे बेस्ट माइलेज क्लेम करती है। तो ये गाड़ी आपको 29 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देगी सीएनजी में, जो कि काफी सही है, जिसको मेन लिए माइलेज के लिए ही चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी लुक्स की बात करें तो वो एग्जैक्ट सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इंटीरियर में भी सभी फीचर्स मिलेंगे, जैसे 7 इंच की टच स्क्रीन, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डुअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ORVM। अरे बस कर भाई। तो भाई प्राइस की बात हो गई, माइलेज की बात हो गई, पावर की भी बात हो गई, तो अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या आपको फ्रॉन्क्स सीएनजी लेनी चाहिए या फिर नहीं। बतल। तो देखो, अगर आपकी रनिंग काफी कम है, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत पर्सनल यूज के लिए ही चाहिए, तो फिर तो आप फ्रॉन्क्स का नॉर्मल वेरिएंट ही ले लो, क्योंकि उन 1 लाख रुपए में जो आप सीएनजी में एक्स्ट्रा दोगे उनमें आप काफी लंबे टाइम तक पेट्रोल डलवा सकते हो और पेट्रोल पर ही काफी किलोमीटर कवर कर सकते हो। साथ ही सीएनजी से ज्यादा पावर और एक्सेलरेशन मिलेगी वो अलग, लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग थोड़ी ज्यादा है हाईवेज पर या फिर लॉन्ग रन पर, तो फिर आप सीएनजी पर जाइए, तब वो आपके लिए बेटर रहेगी। ठीक है, समझ गया। तो यही था एक क्विक वीडियो फ्रॉन्क्स सीएनजी के बारे में। कमेंट्स में बताना कि आप किसको प्रेफर करोगे, नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट या फिर सीएनजी वेरिएंट। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ।